दोस्तों ये है टीवी कैबिनेट जिसमें इंटीरियर काम हुआ है इलेक्ट्रिक का। ये है टीवी सॉकेट और ये है स्पॉट लाइट दो वाइड की, और इधर ये साइड में स्टेप लाइट लगी हुई है। इधर ये मेकअप टेबल है, यहाँ पर भी कुछ लाइटें लगी हैं। ये नीचे स्विच बोर्ड दिया गया है, एक सॉकेट दिया गया, बाकी स्विच है लाइटिंग की है। लाइटिंग यहीं से ऑपरेट होगी और कुछ चलाना हो तो भी चला सकते हैं। ये ऊपर ट्यूब लाइट लगेगी, बाकी इधर ये वार्डरोब है, इस पर प्रोफाइल लाइट लगी हुई है अंदर में, ये चारों तरफ इसमें लगी है, इधर नीचे लगी है और इसमें भी लगी है, ऊपर में प्रोफाइल, सभी में प्रोफाइल लाइट लगा दी गई है। और इसके स्विच उसी स्विच बोर्ड में है। ये बेड है, बेड के सिरहाने पे प्रोफाइल लगी हुई है। अब ये यहाँ फिटिंग हो रही है। टीवी सॉकेट है जिसे लेवल रख के स्क्रू लगाए जा रहे हैं जिससे हमारी सीट टेढ़ी न दिखे। इस तरीके से लेवल रख के सीट को लगा लेंगे। थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते जल्दी जल्दी काम हो जाए। अब ये सीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सिक्स मॉडलर स्विच प्लेट है जिसमें चार स्विच, एक सॉकेट, दो स्विच लाइटिंग के लिए हैं और एक स्विच टीवी के लिए है और एक स्विच सॉकेट के लिए। चलिए फटाफट इसके भी जल्दी जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। ये अडाप्टर है स्टेप लाइट का, जो पीछे कैबिनेट के पीछे लगी है उसका अडाप्टर है। तो पहले ये इसे कनेक्शन कर लेंगे। ये हमने इसे कनेक्शन कर लिए हैं, सभी वायर हमारी पहले से पड़ी हुई हैं। ये अडाप्टर इसको अंदर में रखेंगे, छुपाएंगे। इसके दो एम्पियर का अडाप्टर है, 12 वोल्ट डीसी। डीसी से ही ये स्ट्रिप लाइट चलेगी। ये सॉकेट फिटिंग होगी टीवी के पीछे का, ये लाइट लग गई स्पॉट लाइट, और इधर पीछे बैक में स्ट्रिप लाइट लगी है जिसका अडाप्टर अभी देख रहे थे। तो ये सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको चालू करके देखते हैं। स्पॉट लाइट जल गई पहले स्विच से और दूसरे स्विच से हमारी ये स्टेप लाइट, और तीसरा स्विच टीवी का सॉकेट, और चौथा स्विच हमारा उसी बोर्ड में जो सॉकेट लगा है उसका। बाकी ये पीछे फिटिंग की जा रही है जहाँ से हमने सप्लाई ली टीवी कैबिनेट की, सभी हमने फिटिंग कर ली है। ये अलमारियों में प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।